हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंस्टॉल करने वाले हैं अपनी GTA 5 के अंदर पुलिस मस्टैंग। आप पुलिस के नाम से समझ गए होंगे, ये पुलिस वालों की कार है। तो आज हम इसे इंस्टॉल करने वाले हैं। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए पहले तो आपकी GTA को मोड होना ज़रूरी है। अगर आपकी GTA पहले से मोड है तो आपको ये स्टेप फॉलो करना है। अगर आपकी GTA मोड नहीं है तो पहले जाके आप मेरी पुरानी वीडियो देखिए, हाउ टू मोड GTA, और अपनी GTA को मोड करिए, उसके बाद ये स्टेप फॉलो करिए। पहले आपको इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। इस फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आगे भी डाउनलोड कर सकते हो। मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है इसलिए मैं नहीं करूँगा, पर आपकी जहाँ फाइल डाउनलोड हुई है वहाँ जाना है आपको। ये रही मेरी यहाँ पर डाउनलोड हुई है, इसको ओपन करना है, अपडेट में जाना है, x64 में DLC पैक्स में 2015 ये वाले में इसमें जाना है। इसे मिनिमाइज कर देना है और फिर आपको जाना है जहाँ पे आपकी GTA फाइल इंस्टॉल है। मेन GTA फाइल की फाइल्स हैं, सारी प्रोग्राम फाइल में है मेरी। आप देख लेना आपकी कहाँ पर है, एपिक गेम्स में है GTA 5। मेन डायरेक्टरी में जाने के बाद आपको मॉड्स फोल्डर में जाना है। मॉड्स में जाना है, अपडेट में जाना है, x64 में जाना है, DLC पैक्स में जाना है। जो आपने फोल्डर मिनिमाइज़ करा था उसे ओपन करना है, इसे बैक करना है। ये एक फोल्डर है, इसे यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। मैंने पहले से किया हुआ है, मैं फिर भी रिप्लेस कर देता हूँ। ये देखिए हो चुका है। अब इसे मिनिमाइज़ कर देना है फोल्डर को और इसे कट कर देना है। अब आपको ओपन आईवी टूल को ओपन करना है। उसके बाद आपको मॉड्स में जाना है, उसके बाद आपको अपडेट में जाना है, फिर अपडेट में जाना है, फिर कॉमन में जाना है, डाटा में जाना है। आप ऐसे यहाँ पे कुछ आ जाओगे तो यहाँ पे आपको सर्च करना है DLC लिस्ट। ये देखिए DLC लिस्ट। तो इसके बाद आपको एडिट करना है, इसे यस कर देना है। उसके बाद आपको DLC लिस्ट में जाना है, राइट क्लिक करना है और एडिट करना है। उसके बाद सबसे नीचे आ जाना है। आपको एक कोई भी लाइन यहाँ से ले लेनी है, कॉपी कर लेनी है। जैसे मैं ये लाइन ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे सबसे एंड में आकर यहाँ टिक करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ उसे। ये देखिए ये दोनों लाइनें सेम हो गई हैं, बुगाटी बुगाटी। तो इसे कट कर देना है आपको यहाँ से, और आपने जो फोल्डर मिनिमाइज़ किया था फोल्डर पे ओपन करके रीनेम करके इसको कॉपी कर लेना है, नेम को बस कॉपी करना, उसे कट कर देना है और यहाँ पे आपको ये पेस्ट कर देना है इन दो प्लेस के बीच में पेस्ट। बस हमारी कार इंस्टॉल हो चुकी है, इसे सेव कर देना है। हम चलते हैं अपने गेम के अंदर। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख रहे हो, हम गेम के अंदर आ चुके हैं। अब हम अपनी कार को स्पॉन करते हैं। आपको कार को स्पॉन करने के लिए एक ट्रेनर की ज़रूरत पड़ेगी। मैं एडन स्पॉनर ट्रेनर यूज़ करता हूँ, आप जो जो भी यूज़ करते हो उसके थ्रू भी ला सकते हो। ये देखिए ये वाइट कलर में है और ये पुलिस वाली है। तो सायरन ऑन करने के लिए ई दबाना है आपको। देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।